नागपुर नगर निगम और नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने रामदासपेट सेंट्रल बाजार रोड होटल तुली एम्पेरियर के पास स्मार्ट पार्किंग बनाया गया, जिसे जनता के लिए शुरू किया गया था। जो काम कोरोना के कारण महीनों से रुका हुआ था, उसे महापौर की पहल से शुरू किया गया है। महापौर ने शुक्रवार को स्मार्ट पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने अपने संदेश में कहा कि नागपुर एक स्मार्ट शहर की ओर बढ़ रहा है। यह गर्व की बात है कि यहाँ के नागरिकों के लिए स्मार्ट पार्किंग उपलब्ध हुआ है। नागरिकों को इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए और पार्किंग की परेशानी से छुटकारा पाने में नागपुर की मदद करनी चाहिए। स्मार्ट पार्किंग का काम पूरा करने में नगर आयुक्त राधाकृष्णन पी, स्मार्ट सिटी के भुवनेश्वरी एस, अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा और पुलिस उपायुक्त सारंग आफाड द्वारा सहायता प्राप्त हुई है। नागपुर स्मार्ट सिटी द्वारा विकसित एक कंप्यूटरकृत डिजिटल प्रणाली के माध्यम से वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस प्रणाली को स्मार्ट सिटी के सीओ भुवनेश्वरी एस और ई गवर्नेंस टीम ने महाप्रबंधक डॉक्टर शैल खुले के मार्गदर्शन में विकसित किया है। पूरी प्रणाली निगम के परिवहन अभियंता श्रीकांत देश पांडे द्वारा संचालित की जाएगी और इसका रखरखाव श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी सिटी ऑपरेशन सेंटर के माध्यम से किया जाएगा। नागपुर महानगर पालिका के स्मार्ट सिटी के माध्यम से नागपुर शहर में ये स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कोरोना की गतिविधि के कारण गत अनेक दिनों से यह शुरू नहीं हुई थी। अभी इसका बगैर किसी प्रकार से औपचारिक उद्घाटन करते हुए इसकी आज से शुरुआत कर दी गई है। आज पहले ही दिन 30 से 40 गाड़ियां यहां पर पार हुई है। अपनी दृष्टि से एक सबसे अलग यह कार पार्किंग है। यह सारी की सारी कार पार्किंग ई गवर्निंग के माध्यम से संचालित की जाएगी। इस पार्किंग के अंदर एंट्री होते समय एक QR कोड जेनरेट होगा और वो कोड जेनरेट होने के बाद कितने बजे गाड़ी लगी यह उसमें निर्धारित कर दिया जाएगा। जिस समय गाड़ी यहाँ से बाहर निकलेगी तो कितनी देर गाड़ी पार्क रही है उसके हिसाब से अपने आप इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट हो जाएगा, जिससे उस पर कितना पेमेंट देना है इसकी जानकारी मिल जाएगी। और पेमेंट देने के लिए ऑनलाइन पेमेंट की भी यहाँ व्यवस्था है, साथ ही साथ में ऑफलाइन पेमेंट की भी यहाँ व्यवस्था है। यहाँ से मिलने वाला सारा पेमेंट महानगर पालिका के खाते में जमा होगा और यहाँ से होने वाले उत्पन्न में आपस में यहाँ संचालित करने वाले कंत्राटदार का और महानगर पालिका का शेयर डिफाइन है, उस हिसाब से उसका वितरण किया जाएगा। स्मार्ट पार्किंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गैजेट्स लगाए गए हैं। वर्तमान में 40 पार्किंग संचालन में है और शेष 29 पार्किंग खंडों की मरम्मत के बाद यह भी परिचालन में आ जाएगा। फोर व्हीलर पार्किंग का संचालन डिजिटल कैमरा, बूम बैरियर, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, अन्य गैजेट द्वारा किया जाएगा और फोर व्हीलर धारकों के लिए ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।